भोपाल के जानुमा पैलेस में बीजेपी के पूर्व महासचिव श्री राम माधव की लिखी पुस्तक बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट का विमोचन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अरुण कुमार भी मौजूद रहे। श्री राम माधव ने अपनी पुस्तक के बारे में बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय सर्वोपरि का ये अर्थ है कि देश हित को आगे लेकर निर्णय लेना है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि 2014 के बाद अपने लिए महत्वपूर्ण निर्णय को इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है। राष्ट्र सर्वोपरि का इतना ही अर्थ है कि देश हित को हम आगे रखकर निर्णय लेना है। केवल पॉलिटिकल इंटरेस्ट देखकर, हमारा पर्सनल इंटरेस्ट देखकर, पार्टी इंटरेस्ट देखकर स्टेप्स नहीं लेना है। समटाइम्स यू हैव टू टेक डिफिकल्ट डिसीजंस, यू शुड हैव द करेज टू टेक दोज डिसीजंस एंड देन कैरी द कंट्री अलोंग विथ यू इन दैट। मोदी जी का जो 5 साल का कार्यकाल, 6 साल का कार्यकाल है, एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे अच्छे निर्णय, स्वच्छ भारत जैसे निर्णय या 370 हटाने का जैसा निर्णय, ऐसे अच्छे अच्छे निर्णय लेकर देश को साथ लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। इसमें 2014 के बाद अभी 6 साल में हमने जो महत्वपूर्ण चीजों पर निर्णय लिया था उसके संदर्भ में कई लेख लिखे।